बर्बाद कर दी उसने। एक बारी जोया की शादी हो जाए। हारू मैं फारिश की वजह से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं वो कराची में क्या कर रहा है, इतना बिजी क्यों है। मेरी एक कॉल अटेंड करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ, इतने रिश्तों के दरमियान होते हुए भी मैं इतनी अकेली हूँ। क्या बात है बेटा, एमन को याद कर रहे हो? नहीं दादी। मियां बीवी के दरमियान ऊंच नीच हो जाती है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि कत्ल ताल्लुक कर लिया जाए। दादी दादी आप फिलहाल उसे वहीं रहने दें, ऑफिस के 100 काम है, उलझा हुआ हूं, एक नई उलझन सर पे सवार नहीं करना चाहता मैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो घर जाकर खामोश होकर बैठ गई होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। उसने दो निमरा पे इल्जामात की बौछाड़ कर दी होगी। तुम्हें याद है ना किस मूड से निकली थी वो घर से? तूफान खड़ा कर दिया होगा उसने तो। मुझे हैरत है, एमन के वालदैन ने भी कॉल करने की कोशिश नहीं की। हैरान मैं भी बहुत हूँ, पता नहीं एमन ने ऐसा क्या जाकर कह दिया कि वो मुझसे भी बात करने के रवादार नहीं। जितना इस टेंशन से बचना चाहता हूँ, ये किसी ना किसी तरह मेरे सर पे सवार रहती है। मेरे दिमाग को मूव कर दिया, समझ नहीं आता कैसे गुजारूंगा जिंदगी उसके साथ। मैं तो सोच रही थी कि कुछ दिन में हम दोनों जाकर उसको वापस ले आए। दादी मैंने आपसे कहा ना ऑफिस के बहुत काम है, मैं उलझा हुआ हूं, आप और फूफो चली जाएं, मेरा जाना मुमकिन नहीं होगा। अगर एमन या उसके वालदेन ने कोई सख्त बात कही तो मुझसे भी बर्दाश्त की उम्मीद मत रखिएगा। ठीक है, फिर मैं अजरा से मशवरा कर लेती हूँ। अब सबसे पहले निमरा को कॉल कीजिए और उससे हालात पूछें। ठीक है। क्या लेना चाहे? हारून ने कोई फोन किया है एमन को? उन्होंने तो कोई रابطہ ही नहीं किया। अरे ऐसे होते हैं शुरफा, ये तो बस नाम के ही खानदानी है। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता हूँ। जैसा कि तुम खुद बता रही हो कि फारिश बार बार निमरा के नंबर पे फोन कर रहा है, अगर उनके आपस में बात हो गई या वो यहाँ आ गया तो मामला खराब हो जाएगा। हाँ, ना तो मैं खुद फोन उठाती हूँ और ना ही मैंने कभी निमरा को उठाने दिया है। कराची यहाँ से दूर नहीं है, अगर वो उसकी खैर खबर लेने यहाँ आ गया और उनकी आपस में एक बात हो गई और बात खुल गई तो हमारा मंसूबा तो खाक में मिल जाएगा ना। कह तो ठीक रहे हो, मगर अब क्या करें? एक और मंसूबा है तो मेरे जहन में। वो क्या? मेरी तो समझ में नहीं आता ये हमसे किस बात का बदला ले रही है। अरे क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? टाइम भी साफ घर छोड़ देती है क्योंकि तुमने हमें बर्बाद करने का तहैया कर लिया है। चाची आप खबरदार, मेरे सामने मासूम सूरत लेके तुम खड़ी हुई तो खूब जानती हूँ मैं तुम्हें। लेकिन चाची मैंने क्या किया है? जो मेरी बेटी की खुशियों को
आग लगाएगी ना उसकी तो मैं आंखें निकाल लूंगी। क्या हो गया? इसके फोन पे बार बार हारून की कॉल आ रही है। क्या? मुझे तो एक कॉल नहीं की उसने, तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है वो? छोड़े, क्या हुआ? 10 बार कॉलिंग कर चुका है इसको। छोड़े तो, अगर उनकी कॉल आ रही है तो इसमें इनका क्या कसूर है? वारिस को कॉल करती हूँ और बताती हूँ कि उसकी बीवी यहाँ क्या कर रही है। मैं खाम डाले आकर तुम पे, मेरा घर बर्बाद करने पर तुली है। चाची मेरा कसूर नहीं है, मुझे पता नहीं कि हारून मुझे क्यों कॉल कर रहा है। उठाओ सामान और निकलो मेरे घर से। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू। अरे तुम्हारी खातिर मेरा बेटा इतनी दूर बैठा है तुम्हारा मुस्तकबिल संवारने के लिए, और तुम मेरी बेटी का घर बर्बाद करने पे तुली हुई हो। चाची ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या सजा देनी है इसका फैसला तो आके फारिस करेगा। मेरा बेटा इतना बेगैरत नहीं है जो तुम जैसी लड़की को वो बर्दाश्त करेगा। तुम्हें तो वो नहीं लगाएगा। चाची प्लीज आप मुझे फोन दे, मैं आपकी नानी जान से बात करवाती हूँ। उनसे बातें करती है, मुझे पागल बनाया हुआ है। मैं बीच में पढ़ने का बड़ा शौक है, चलो तुम भी। इतना चीप हो सकता था वो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसको समझता क्या है? एमन उसके रास्ते की रुकावट थी, वो हट की तो अब अपनी मनमानी करेगा। मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगी। चुप कर जाओ। क्या चुप कर जाओ? क्या आप लोगों की खामोशी और ढील का नतीजा है कि वो मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। क्या मतलब ऐसी बात नहीं है? मेरे होते हुए वो निम्रा को कॉल कर रहा है, आप कह रही है कि कोई बात ही नहीं है? बेटा तुम्हें गलत फहमी हो रही है, कोई कॉल वॉल नहीं कर रहा वो। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हम ड्रामा कर रहे हैं निम्रा के साथ। क्या क्या मतलब अम्मी? देखो उसे इतना जलील करना है, उस पर इतना दबाव डालना है ताकि वो घबरा कर हर वो काम करे जो हम उससे करवाना चाहते हैं। कैसा काम है समझी नहीं। समझाओ नहीं से। क्या समझाऊं मैं तुम्हें, ये बात तो तुम्हें समझ नहीं आ रही है। बेटा हम निम्रा को इतना प्रेशराइज करना चाहते हैं, इतना प्रेशराइज करना चाहते हैं कि हम जो चाहें वो करें। समझ रही? अपने आप को जरा थोड़ा ठंडा करो। अगर चाची ने फारिस के दिल में बदगुमानी पैदा कर दी तो क्या होगा? इस दुनिया में मेरा एक ही तो रिश्ता है और वो फारिस से है। तो क्या अब ये रिश्ता भी नहीं बच पाएगा? चाची प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि हारून मुझे क्यों कॉल कर रहा है, मैं उसके से रابطे में नहीं हूँ। सुबह फारिस को कॉल करूंगी, वही आके फैसला करेगा। चाची फारिस मेरा शौहर है, वो गुस्सा होगा, वो मेरे पर यकीन नहीं करेगा। ये तो पहले सोचना था ना बीबी। चाची प्लीज ये बात सुने। हटो। कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं?
सुबह फारिस को कॉल करूंगी, वही आके फैसला करेगा। चाची प्लीज आप मेरी बात सुने, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज चाची प्लीज मेरी बात सुने। चाची चाचा आप चाची को समझाएं, मैंने कुछ नहीं किया है, इस जुर्म की सजा मुझे ना दे जो मैंने किया ही नहीं है। बेटा लेकिन सबूत और हालात तो कुछ और ही कह रहे हैं। ये सच नहीं है चाचा, मेरा हारून से कोई राबता नहीं है। तुम्हारी चाची तो फारिस को बहुत कुछ बताने को तैयार बैठी है, वो तो इतना कुछ बताना चाह रही है कि मुझे डर इस बात का है कि उसके बताने के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ चाचा और भतीजी का रह जाएगा, बहू वाला तो खत्म हो जाएगा। बेटा चाचा आप जो भी कहेंगे मैं करूंगी, आप प्लीज बस चाची को रोक लें। बेटा मुझे किस चीज का लालच हो सकता है, मेरे बच्चे मेरे लिए क्या करोगी? बस सोचता हूँ फारिस को कारोबार के लिए पैसों की जरूरत है, मेहनत भी बहुत कर रहा है वो। भाई मेरे पास कोई प्रॉपर्टी होती तो मैं गिरवी रखवा के उसे पैसे दे देता, अब मसला ये है कि मेरे पास तो प्रॉपर्टी है नहीं। हाँ अलबत्ता अगर तुम हवेली के कागजात दे दो तो मैं ये बैंक में रखवा के लोन लेके उसे पैसे दे दूंगा, कारोबार चल निकलेगा। देखो तुम लोगों के भी मुस्तकबिल का मामला है, तुम लोग भी खुश हो जाओगे, बात भी खत्म हो जाएगी, वो भी तुमसे मुतमईन हो जाएगा। लेकिन मैं कोई मजबूर नहीं कर रहा, सोच लो देख लो। चाचा मुझे कोई एतराज नहीं है, आप उस चाची को फारिस से कोई ऐसी वैसी बात करने से रोक लें प्लीज। अरे कैसे कहेगी बेटा, मेरे होते में ऐसा हो सकता है तुम्हारे बारे में कोई फजूल या फालतू बात कह दे? नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम जाओ मेरा बच्चा, जाओ जाके कागजात लेके आओ हवेली के। हैं एक साइन इधर बेटा, नीचे वाले पे नहीं इस पे, नहीं इस पे, शाबाश। बस अब ये कुछ अरसे के लिए मैं गिरवी रखवा दूंगा, इस पे लोन ले लूंगा और इंशाअल्लाह ताला थोड़े अरसे के बाद ये प्रॉपर्टी एक बार फिर हमारी हो जाएगी, मतलब तुम्हारी हो जाएगी। फारिस को शिकायत तो नहीं लगाएंगे ना? मैं नहीं चाहती कि उसके दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी हो। कैसी बातें कर रही हो, ये तो एक फॉर्मेलिटी थी, बहालत मजबूरी मैंने ये साइन करवाए, वरना तुम क्या समझती हो मुझे अपनी भतीजी पे भरोसा नहीं है? मैं जानता हूं तुम पाक दामन हो, मैं एमन को भी उसके घर भेज रहा हूं, वो भी चली जाएगी, वो भी खुश रहेगी, घर वाले भी खुश रहेंगे, पारस भी खुश रहेगा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानता हूं। बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया तुम्हारा, मेरा किस बात का शुक्रिया बेटा? अल्लाह तेरा शुक्र है, जिंदगी में कभी सोचना भी ना कि मैं अपने खून पे भरोसा नहीं करूंगा। हाय मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मैं इतने शानदार घर की मालकिन बन गई हूं। अम्मी क्या कह रही हैं आप, निमरा मान गई है अब्बू की बात, उसने घर नाम कर दिया हमारे। इतनी चूची नहीं है वो कि अपने चचा के नाम करोड़ों की जायदाद कर दे। अरे वो तो तुम्हारे अब्बा ने गेम ही ऐसी डाली कि उसे मजबूरन करना पड़ा। अब्बू की जहानत की तो वैसे मैं दाद देती हूँ, क्या किया उन्होंने? अरे करना क्या था, निमरा को बताया कि फारिस ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे पैसों की जरूरत है और कुछ अरसे के लिए इस घर को गिरवी रखना है, तो बस पेपर पे साइन कर दो ताकि उनके नाम मुंतकिल हो जाए, बस।
और निम्रा है भी इतनी बेवकूफ अम्मी, वो तो कर भी देगी साइन। अरे हम लोगों ने माहौल ही ऐसा बना दिया था कि मजबूरन उसे साइन करने पड़े, वरना उसको डर था कहीं फारिस उसके हाथ पे तलाकनामा ना रख दे। अम्मी ये क्या कर रहे हैं आप लोग, इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं निम्रा बाजी को। चुप कर जा निम्रा बाजी का चमचा। लेकिन अम्मी ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, पुलिस पकड़ सकती है आप लोगों को। कौन करेगा केस, तू करेगा केस, बोल। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? अरे जमीनें जायदादें होती इसीलिए ना कि जरूरत के वक्त में उसको बेचा जाए, किसी चीज की कमी ना रहे। तो अभी किस चीज की कमी है हमें? देख रही है उस बेवकूफ को? अरे ये सब कुछ तुम ही लोगों के लिए तो कर रहे हैं हम, और तुम्हें कदर ही नहीं हमारी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका है ना आप उसी को वापस करें। ये तो हो नहीं सकता, और अगर तू निम्रा को कुछ बताएगा ना तो उसको दुखी करेगा। पढ़ा यार निम्रा का चहेता। इसको देखे, देख तो चले कहो। आज अपनी छत के नीचे जितना सुकून मुझे मिला है ना, पहले कभी नहीं मिला था। सच कह रही हो तुम, आज जिंदगी में पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि अपनी छत के नीचे कितना सुकून मिलता है। जब आपको इस बात का एहसास हो कि इस जगह के मालिक आप हैं तो कितना अच्छा लगता है आपको। अच्छा आप अपनी बेटी से कहो कि गुस्सा थूक दे, तैयारी करे वापस जाने की। मैं खुद जाके उसका सामान पैक करती हूँ। मैं खुद छोड़ दे जाऊंगा उसे। ठीक है, मैं कह रही थी कि फारिस की तरफ भी जाके चक्कर लगा लीजिएगा, उसे भी तो पता चले ना कि उसके पीछे माँ बाप हैं। उसे अगर इस बात का एहसास हो तो कम से कम कभी फोन करके हालचाल ही पूछ ले। देखूंगा, सोच रहा हूँ कराची जा रहा हूँ तो यहाँ से क्या लेके जाऊँ उनके घर। कुछ थोड़ी मछली ले जाता हूँ, पल्ला केक ले जाता हूँ, रबड़ी ले जाता हूँ, यहाँ की सौगातें तो यही है ना। तो तुम उससे कहो कि वो अपनी तैयारी करे। एमन, अरे और कुछ बैग में रखना है तो मुझे दो में रख दूं। दिखाएं क्या रख रही हैं आप? अरे कपड़े तो मैंने तुम्हारे सारे रख दिए, ये दो जोड़े मैंने सिलवाए थे वो भी रख रही हूँ। मम्मी क्या जरूरत थी आपको, पता तो है मैं अब ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ। मुझे अच्छे लगे थे इसलिए सिलवा दिए, पहन लेना थोड़ी देर के लिए। दादी मैंने आपसे कहा ना ऑफिस के बहुत काम है, मैं उलझा हुआ हूँ, आप और पुपोत चली जाएं, मेरा जाना मुमकिन नहीं होगा। अगर एमन ने उसके वालदेन ने कोई सख्त बात कही तो उससे भी बर्दाश्त की उम्मीद मत रखिएगा। दादी जान की कॉल है, पता नहीं कहां से मेरा ख्याल आ गया। अब बात करो उनसे, जरा सलीके से करना। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे लिए उदास हो रही थी। अच्छा, आप लोगों की इतनी लंबी खामोशी के बाद मुझे तो ऐसा लगा शायद किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। वहां बेटा तुम्हारा घर है, तुम मालकन हो इस घर की, और कोई मालकन भी अपना घर छोड़कर जाती है बना। बस जरा सा गुस्सा आ गया था। यही तो मसला है तुम दोनों का, तुम्हारा मिजाज भी गर्म है और हारून का मिजाज भी, जरा सी बात पे दोनों भड़क जाते हैं। वैसे खैर हारून का गुस्सा तो दूर हो गया है, बल्कि तुमको लेने आ रहा था वो, लेकिन बहुत जरूरी मीटिंग के सिलसिले में उसको इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है। मुझसे और अजरा से कहा है कि उनकी बेगम को मना कर ले आए,
दादी जान आप तो शर्मिंदा कर रही हैं अब। मैं कौन सा सीरियसली नाराज हो गई थी आपसे, बस ऐसे ही थोड़ा गुस्सा थी। बल्कि मैंने तो पैकिंग भी कर लिया, पता है कल इंशाल्लाह अब्बू के साथ आ रही हूँ। ठीक है बेटा, बड़ी समझदारी का सबूत दिया है तुमने। लेकिन अब वो पहली बार आ रहे हैं, आप प्लीज कोई अच्छा सा एहतमाम करवाइएगा, रूम वगैरह सेट करवा देना और खाना शाना भी अच्छा सा बनवाइएगा। फिक्र मत करो, मैं अजरा से कह दूंगी कि वो सब इंतजाम देख लेगी, बस तुम आने की बात करो, हम सब मुंतजर हैं तुम्हारे। बस फिर मैं कल आ रही हूँ अब्बू के साथ, गाड़ी भिजवा दीजिएगा आप। ठीक है बेटा। उन्होंने हारून से कुछ तफसीली बात करनी है, ठीक है ना? ठीक है, खुदा हाफिज। बिल्कुल ठीक किया तुमने। अरे इनको इल्म होना चाहिए, एमन कोई लावारिस थोड़ी है। अच्छा और बताओ, मुझे कुछ रखना है तो मैं तुम्हारे बैग में रख दूं क्या? नहीं बस ये ठीक है। लो भाई, कर दिया मैंने सारा सामान पैक। कामी तो इतना मकार हो गया, तो अपनी माँ के साथ भी हेरा फेरी करेगा? कि तेरे पास पैसे थे, तूने मुझे बताया तक नहीं, हवा तक नहीं लगाई, बताने की जहमत नहीं की। ओ अम्मा, तुझे ये पैसे मिल गए? अरे ये ना, ये मेरे दोस्त के हैं, उसने दिए थे मुझे, उसने कहा था रख ले चंद दिन बाद दे दी, बल्कि मैं तो अभी उसे ये वापस ही करने जा रहा था। अच्छा तेरे दोस्त के पैसे हैं, उसने तेरे पास रखवाए निकम्मे के पास? इस बात पे मैं कभी यकीन नहीं करूंगी। बता कहां से आए ये पैसे? अरे अम्मा ये तो कुछ भी नहीं है, तेरे बेटे ने ना बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे, ना जाने उनकी ताबीर कब होगी, मगर हाँ मैं मायूस नहीं। कैसे ख्वाब, कैसी ताबीरें? चमक, तू एक काम कर। कौन सा काम? मुझे लगता है हमें निम्रा के शहर वापस जाना चाहिए और तुझे ना उससे राबता करने की कोशिश करनी चाहिए। तेरा तो हो गया दिमाग खराब, मैं कोई नहीं ऐसे वैसे करने वाली, पागल नहीं हूँ मैं। अरे बात तो सुनना अम्मा। कोई बात नहीं सुनूंगी, मैंने जूती उतार ली, सीधी तरफ बताइए पैसे कहाँ से आए। मैंने जूती उतार, अरे क्या हर बात में मैंने जूती उतार लेनी, मैंने जूती उतार ली, मैं मंदिर का घंटा हूँ, बार बार बजा देती है तू मुझे। कहाँ से आई है पैसे? क्या नाम बताता हूँ, ये पैसे ना निम्रा के शोहर ने दिया मुझे। निम्रा के शोहर ने? कैसे? अरे निम्रा का शोहर जो है ना वो लूमड़ी सा, वो तो जलेबी की तरह सीधा है, उसने दूसरी शादी कर रखी है, वो भी निम्रा से खुफिया। हाय मैं मर गई। और हाँ वो नहीं चाहता कि ये बात निम्रा को किसी भी कीमत पे पता चले, बस ये राज तेरे बेटे कामी को मिल गया, मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। देख ये हुई ना बात, खेल उससे कमा पैसे, अब बाया मजा, नौकरी अच्छी है, घर बैठे वारे न्यारे। हाँ ये जुगाड़ जो है वो कुछ अरसे के लिए तो ठीक है, मगर अब तेरे बेटे कामिल का ना ये हजारों लाखों से कुछ नहीं बनने वाला, मुझे तो बस निम्रा चाहिए, वो भी अपनी करोड़ों की जायदाद के साथ। मुझे तो लगता है तेरा दिमाग हिल गया, इंसान को ख्वाब वो देखने चाहिए जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक हो। अरे उसकी शादी हो गई है। अरे अगर शादी शुदा हुई तो क्या हुआ, शादियां टूटती भी तो है ना है? जो मंसूबा अम्मा मैंने बनाया ना कर वो पूरा हो गया तो निम्रा को मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा बात सुन, पैसे दे। अच्छा अम्मा, अच्छा मेरी अम्मा मेरी बात सुन, अरे आधे दे दे। कोई नहीं अनार खा तो। अरे नहीं मेरी, अरे पैसे आने वाले हैं, अनार खा। अरे अच्छा बात तो सुन अम्मा, आधे अनार खाना। अरे अम्मा आधे दे यार, चल अनार। अरे आधे तो दे दे पैसे। अरे अम्मा इतनी लालची मत बन, इससे मैं पैसे कैसे निकालूंगा, रात को अड्डे पे भी जाना है। अरे अम्मा अम्मा बात सुन ले। मैं वाह, ओ भाई इतना वजनी तो नहीं है यार, अंदर ले जा।
देखा है आपने अबू, कितना प्यारा घर है मेरा। हाँ देख तो पहले भी चुके हैं, लेकिन मजा तो तब है जब ये घर तुम्हारे नाम हो। हारून ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। कोई अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से किसी के नाम नहीं किया करता, इसके लिए अकल से काम लेना पड़ता है। हमारी तरफ देखो, हमने क्या किया है, हमने निमरा की सारी प्रॉपर्टी किस चालाकी और होशियारी से अपने नाम कर ली है और वो बिल्कुल कंगाल हो गई है। अब्बू प्लीज, क्या हो गया आपको? आहिस्ता बात करें, यहाँ किसी को भिनक भी लग गई ना, लेने के देने पड़ जाने हैं। चमचे रहते हैं सारे यहाँ निमरा के। अरे हो चमचे, देखो ना कोई इस्तकबाल के लिए ही नहीं आया भाई। सब जानते थे कि मैं आ रहा हूँ, तो किसी ना किसी को तो होना चाहिए था। इस घर की मालकिन तुम हो, जरा इन सबको इनकी औकात में रखो। जी अबू, चलें आप आए। चलो तुम अकेली नहीं हो, तुम जब भी पुकारोगी मुझे अपने आसपास पाओगी। मेरा वादा है तुमसे कभी मायूस नहीं करूंगा तुम्हें। शुक्र है एमन अपने घर चली गई, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, उसी परेशानी में तुम्हें भी उल्टा सीधा कह दिया। वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? एमन को कोई गलत फहमी हुई थी, मेरा उसके घर के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ये लो अपना मोबाइल अपने पास रखो, पारिस का फोन आए तो उठा लेना, मेरी शिकायत ना लगाने बैठ जाना। चाची मैंने आपकी कभी शिकायत उनसे नहीं लगाई। शिकायत लगाओगी तो खुद ही फंसोगी। देखो आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही सुनाना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए तुम स्कूल भी नहीं गई हो, अरे घर में बैठ के ऐसे दीवारें तकती रहती हो। जाओ चली जाओ ना स्कूल, थोड़ा सा सही नहीं बटेगा तुम्हारा। तुम्हारी नानी से बात हो ना तो उनको बता देना कि जमशेद तुम्हारे सुसर नहीं, तुम्हारे चचा भी लगते हैं। उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जमशेद मियां आप आए, बहुत अच्छा लगा। ये बच्चे तो बात बात पर उलझते हैं, इनको रिश्तों की नजाकत का अंदाजा ही नहीं है। ये तो हम बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि इनको समझाएं कि रवैयों में लचक पैदा किया करें। देखिए बहन जी, हमने तो अपने रवैये में लचक रखी और दिखा भी दी। मैं अपनी बेटी को खुद ले आया हूँ, हालांकि उसूलन अगर देखा जाए तो हारून मियां को आना चाहिए था, उसकी बीवी है वो, कम से कम उसका मान ही रह जाता। वो दरअसल हारून बहुत बिजी रहा इन दिनों में और मैं और अम्मा बस हम। अच्छा चलिए छोड़िए, अब तो मैं लिए ही आया हूँ उसे, लेकिन आइंदा के लिए जरा समझा दीजिए हारून को कि अपने रवैये में जरा नरमी पैदा करे। अगर आइंदा ऐसा हुआ तो फिर माजरत के साथ हमारे रवैये में भी कोई लचक नहीं देखेंगे आप लोग। अल्लाह ना करे कि आइंदा कभी ऐसा हो। जी अल्लाह ना करे, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम तो बेटी वाले हैं, हम तो और मोहतात हैं, हमें तो अपनी बच्ची का घर बसा हुआ ही देखना है। मैं खुद बात करूंगा, मैं हारून से बात करूंगा, मैं उसको समझाऊंगा कि देखो बेटा, मैंने भी अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है, सर्द गर्म से बचा के रखा है, और आइंदा भी कभी उससे गाफिल नहीं रहूंगा, क्योंकि कोई बाप
अपनी बेटियों से गाफिल नहीं रह सकता। अगर चाय मिल जाती तो जरा सफर की थकान उतर जाती। जी जी मैं लेकर आती हूँ। परवीन से कहा तो था मैंने। कुछ खाने के लिए भी कह दीजिएगा, कोई पैटीज पेस्ट्री, कोई हल्की फुल्की सी चीज, कोई पिज्जा हो जाए, कुछ और इस तरह से बिस्किट्स वगैरह। देखो परवीन से मैंने कहा तो है। हमारे शहर में बड़े अच्छे चिकन पैटीज मिलते हैं जी। मैं बड़े शौक से खाता हूँ। चलिए आज यहाँ के खा के देखिएगा आप। जी जी जरूर खाएंगे, जरूर खाएंगे। हारून, हमें देखकर कोई कह सकता है कि ये कपल बहुत दिनों बाद मिला है? मुझे तो लगता है मेरे आने का आपने नोटिस ही नहीं लिया। मैं हूं ना हूं आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है, आप जानती हैं मैं बिजी रहता हूं। हारून, मेरे अब्बू साथ आए हैं, आप उनसे सरसरी सा मिलकर चले गए तो और क्या करता, उनके कदमों में बैठ जाता। आप ही तो मेरी दादी और फूफो से ससुरी अंदाज में मिली, मैंने कोई शिकवा किया आपसे? मुझे आए हुए अभी देर कितनी हुई है, आपने फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया है। मैं कोई झगड़ा नहीं कर रहा। आपके वालिद मेरे लिए भी काबिल एहतराम है और इसीलिए आप बंद कमरे में इस तरह बैठे हैं। ठीक है, चलिए आइए। हे वही ना बात, आप चले मैं आती हूँ। लेकिन अबू थोड़े खफा हैं, आप पिकनिक करने आए थे मुझे, तो अगर वो कुछ कहें तो सह लीजिएगा।